एक्सक्यूज मी, व्हाट, व्हाई डिड यू किस हर मैन? शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज माई वाइफ, कांट यू सी शी हैव अ किड? सो व्हाट्स रॉन्ग अर्जुन? आज सुबह से तुम क्यों कर रहे हो? सब गलत है अर्जुन, बेकार में किसी से झगड़ा मत करो। इट्स अ बिग पार्ट चेंज। नो, यू कांट डू दैट मैन, डोंट डू इट अगेन। ओके, व्हाट हैपेंड? सम क्रेजी इंडियन गाय। एक्सक्यूज मी, व्हाई आर यू कॉलिंग योर फ्रेंड फॉर? यू आर बीइंग अग्रेसिव। आई एम नॉट अग्रेसिव मैन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? There is no problem. I'm just having a conversation with your friend. No, you talk to me. Why would I talk to you? I want to talk with your friend. Can you give us a minute, please? No, you talk to me. I don't want to talk with you. I just want to talk with your friend. You want to fight? I know to fight, but I don't want to fight. Hey, he wants to fight. Come on, you. Arjun, come on. Arjun, please. Arjun. चाचू, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, दरवाजा खोलो ना, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ ना प्लीज। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय आंटी।
कभार झूठ बोलने वालों को तो बहुत देखा है, लेकिन हमेशा झूठ बोलने वाली को तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। अर्जुन, मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दे, मेरी माँ मैं जा रहा हूँ। अर्जुन, 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 हैप्पी बर्थडे। ये क्या है, गुलाब का फूल? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाप रे, कहाँ से मार के लाई हो इसे? पहनाओ। हैं? इस उंगली में क्यों पहनाऊं? ना भी नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। अरे यार गलती से पूछ लिया, मजाक मत बना लेना। अच्छा, ऐसे करो, ऐसे करो ना। उंगलियां ऐसे क्यों? तो तू भी उंगली करने के चक्कर में है क्या? ऐसे, हाँ ठीक है करो। ये क्या है पता है? क्या है? पेरेंट्स। ये मैं क्या जानू? फ्रेंड्स। ओके। और ये आया होगी? सिब्लिंग्स यार, यानी भाई बहन। ये जो है खुल सकता है, ये खुल जाएगा, और ये भी खुल जाएगा, और ये वाला करके देखो। नहीं खुल रही है ना? ये क्यों नहीं खुल रहा है? यही है forever, you and me। क्या बात है। ऐसे खुल जाएंगे ना? ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, चलो पहले। नहीं बोलो। कम बुलाते ही आ गई। वाह क्या बात है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। निशा, ए प्लीज यार, हे ए प्लीज यार। पागल हो क्या? क्या कर रहे हो अर्जुन? कुछ भी करते हो। मैं तो ऐसे ही बोल के देख रहा हूँ। घर में कोई नहीं है। आई लव यू। हाय 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 हाय, वेरी गुड। सोचा था कि आज का दिन पूरा बेकार हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, दिल की बात सुनी लेता। लाइट ऑन करो। हे भगवान, मैंने अपने घर को कितना साफ सुथरा रखा था, इसने मेरे घर को पवित्र कर दिया। हे, दिस इज वेरी बैड, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वर्ड बिहेवियर, लाइट्स ऑफ। उन्होंने सोचा कि वो हमें सरप्राइज करेंगे, लेकिन उसके बदले हमने उनको ही सरप्राइज दे दिया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, और अभी शादी करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। हालांकि उनकी बात तो मुझे सही लग रही है, वी शुड गेट मैरिड। क्या मैरिज? हम तो अभी बच्चे हैं यार। हाँ तो क्या उम्र निकलने के बाद बुढ़ापे में शादी करेंगे? ये उम्र शादी की ही होती है, अभी करेंगे तो ही सही होगा। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेट्स गेट मैरिड। हे, तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? हाँ, तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। तो ठीक है, चले जाओ। ठीक है, चला जाता हूँ। एक्चुअली तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मेरे लिए लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर मैं 10 दिन क्लास नहीं गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। मेरी वो आंटी है ना, वो 1 महीने के लिए बाहर चली जाती है, कॉल करना कि कहाँ है पूछना, आई डोंट केयर। बट लाइफ में पहली बार अर्जुन मुझे किसी की फिक्र हुई, तुम कहाँ चले गए, क्या हुआ, बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है, पर तुम नहीं समझोगे यार, मुझे समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है।
तुम्हारा होना चाहिए। I want to get married with you. मुझे बस तुम चाहिए, मेरे पास ही रहना। लड़ाई जो की वो बहुत हो गई, वो भी हमेशा के लिए। तो अब से वो मोजो, वो मीना आंटी, डांस करने के लिए झूठ बोलना, ये सब तो नहीं करोगी ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों को बताना कितना मुश्किल होता है। सोच है, कोई फायदा नहीं हुआ, इसे अलग तरह से डील करना होगा। क्या हुआ जो? गाड़ी क्यों रोकी? निशा, लव में लॉक नहीं होता, लेकिन शादी में लॉक होता है। जब लव करते हैं तो सबको बुला कर हम लव कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन शादी करने से पहले लोगों को इनविटेशन देकर बुला कर बोलना पड़ता है। लव करते समय उम्र का पता नहीं चलता है, जवानी का ही ये एहसास होता है, लेकिन शादी के बाद पहले ही दिन ना जाने ऐसा क्यों फील होता है कि हम बहुत जल्दी बूढ़े हो गए हैं। लव में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे ब्रेकअप करके रीऑर्गेनाइज करके उसे आगे बढ़ाने के लिए मौका तो मिलता है, लेकिन शादी करते ही लॉक लग जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे कितनी ही समस्या या प्रॉब्लम भले ही क्यों ना आ जाए, एक सीरियस कमिटमेंट होता है, अंडरलाइन कमिटमेंट, वो कमिटमेंट मुझे बहुत पसंद है और वही चीज मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए जब तुम प्रिपेयर हो जाओगी तो फिर मेरे पास आ जाना चलेगा, लाइफ वहीं से शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास आके निशा क्या हुआ? अरे मैं तो समझा रहा हूँ। अरे रुको तो, बाय, टेक केयर। अरे रुको ना, अरे किसी अच्छी जगह खाना खाने चलते हैं, फिर तुम्हें ड्रॉप करूंगा। निशा ऐसा भाव क्या दिया, ये तो भाषा। मैंने ऐसा क्या कहा कि ये नाराज होकर सीधे चली गई? सच्चाई ही तो बताई ना। चली गई सोच कर मैं कितना खुश था। हेलो, क्या हुआ? ओफो, अच्छा हुआ तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। घर में पता नहीं फ्रेंड का भला क्यों लगा है। आ जाओ आ जाओ। I know it's late, but मैं सोने जा रही थी तभी एक आइडिया आया, वो जरूर वर्कआउट करेगा। प्लीज सुनो तो सही। क्या है? Let's get married. और शादी के बाद पहला दिन तुम्हारा, समझ गए? जो बोलोगे करूंगी, सब कहना मानूंगी, पहला दिन तुम्हारा, लेकिन दूसरा दिन मेरा होगा। हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, समझ गए ना? एक दिन तुम्हारा, एक दिन मेरा। इतने दिनों तक तुम यही सोच रही थी? सिंपल है ना, मैं घर जाके सो जाता हूँ। अरे सोचो ना। अरे ये क्या बस है? प्लीज अर्जुन। अच्छा ठीक है चॉकलेट है। ये तुम्हें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैंने कहा क्या? अगर हम दोनों एक दूसरे को ये नहीं देंगे तो कैसे चलेगा अर्जुन? आधा आधा तोड़ के ही तो खाना पड़ेगा। लो, कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है। So, सब ठीक है अब। समझो अर्जुन, प्लीज अर्जुन। अभी एक दिन बचा है ना, देख मैं क्या करता हूँ। बच्चों, मेरे लिए भी एक दिन है। I am waiting. हे मेरे ईश्वर, ये क्या कर रहा है? ए तू पागल हो गया है क्या? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इस लड़की के चक्कर में मत पड़ना। ए तू इधर आ, चॉकलेट खिलाकर इसे फंसाएगी क्या? चाचू, अंकल, माय वाइफ। वाइफ है? आशीर्वाद दो। ए तुम्हारे इस खेल में मुझे मत घसीटो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। चाचू चाहे कैसे भी हो, हमारी शादी करवा के लंदन में एक बहुत अच्छा सा घर भी दिलवाया। देख रहा तेरे लिए मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा नाम है शादी का रायता। मेरे देखिए घर दिलाऊंगा, लेकिन अपनी यादें ताजा करने के लिए मुझे बोट हाउस में लेकर आ गए। अरे ये वो नहीं है, ये अलग है, तू अंदर चल के देख, तुझे पता चल जाएगा। आजा। ए, तेरे चाचा का टेस्ट देखा, बहुत बढ़िया है। मैं एक्चुअली यहीं पर रहना चाहता था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, डॉली जब इस तरफ से चढ़ के आती है तो ये उधर झुक जाता है, और जब वो उधर जाती है तो उधर झुक जाता है। वेरी डेंजरस, यू नो। आजा दिखाता हूँ। आपकी आवाज बढ़िया है। आजा। लेकिन क्या है ना, आप बोलते बहुत ज्यादा हो। वहाँ देखो, उस तरफ। यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ये टावर ब्रिज का नजारा। हाँ। और
यहाँ से देखोगे तो पूरी सिटी का नजारा, लेकिन टावर ब्रिज दिखाई नहीं देगा। देखो ना आंटी क्या दिखा रही है। डॉली yes? लेट्स गो। निशा चलो हम लोग निकलते हैं। यू गो। क्यों? क्या हुआ? कम कम डार्लिंग। ये जगह सच में बहुत बढ़िया है। क्यों क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? अरे ये क्या कर रही हो, ये घर तुम्हें पसंद नहीं आया? यहाँ तुम नहीं रह पाओगी, सच कह रही हो? तब तो हम लोग यहीं पर रहेंगे। चलो ठीक से बांध नहीं सकती, ये तो मैं जानता हूँ। तुम कहो तो मैं पहना दूँ। मैं YouTube से देखकर पहन लूंगी। अरे अरे इस YouTube को किसने बनाया होगा? अच्छा चलो जल्दी आओ और यहाँ से जो कुछ भी लेना है फटाफट ले लो। हाँ अचार चाहिए, एप्पल जूस चाहिए या 10 किलो एप्पल चाहिए, ऑरेंज भी 2 किलो ले लो। चलो तुमने तो कहा था अवतार फिल्म में एनिमेशन किया था, झूठे। खाना नहीं खाना है क्या, भूख लग रही है? चलो आ जाओ, भूखे पेट रहना ठीक बात नहीं होती। चलो खा लो, जल्दी जल्दी खा लो। हाँ आराम से अपना मुंह साफ कर लो। देख लिया ना, शादी के बाद लड़कियों की खूबसूरती थोड़ी कम हो जाती है ना? बिल्कुल सही कहा, शादी के पहले लड़कियाँ झटक मटक बिजली की तरह चमकती रहती हैं और शादी होते ही टॉय लुढ़क जाती हैं। ये क्यों चाचू टॉय जैसी हो जाती हैं? क्योंकि जब हाथ में खिलौना आ जाता है ना टॉय हो जाती हैं। खिलौना? अरे बच्चा रे, बच्चे को जन्म देते ही उनकी सारी एक्टिविटीज बदल जाती है। तब तो अगर बच्चा पैदा हो जाए तो डांस नहीं कर पाएंगे ना? एक बच्चा होने के बाद अदर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो डाउन हो जाती है और मदर एक्टिविटीज सारी शुरू हो जाती हैं। निशा, 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 ये सब क्या है? जरा इधर आओ। मैं यही सो जाती हूँ अर्जुन। सो जाओगी? कितनी देर से मैंने अपना मूड बना कर रखा है और ये सब क्या है? बेबी डॉल की तरह फ्रॉक पहन कर रखा है। चलो आ जाओ, ये बहानेबाजी छोड़ो, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मेरा मूड बना है तो पूरा कवर करके आई हो। क्या दिमाग है, क्या सोच है। मुझे चमेली के फूल नहीं मिले, यही मिले। क्यों अच्छे है ना, तुम्हारा मूड बनाने के लिए ही तो मैं ये सब लेकर आया हूँ। हलवा लेने के लिए निकला था पर वो मिला ही नहीं। लो खा। नहीं चाहिए। अरे खा भी लो। अरे खाओ ना। खा लूंगी। खाओ ना निशा। अर्जुन मैं वहाँ जाके सोती हूँ। छी,
सोने की बात क्यों कर रही हो? इतने रोमांटिक मूड में तो सोने की बात करना बेवकूफी हो जाएगी। नो नो नो, डॉक्टर पूरी तरह प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी ऐसा हुआ है, ये कैसे हो गया डॉक्टर? ये बात मैं नहीं मान सकता डॉक्टर, उस कंपनी को मैं नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर, उसके ऊपर केस कर दूंगा। इस तरह की सुरक्षा 100% सेफ नहीं होती है, अगर आप चाहते हैं तो अबॉर्शन करवा सकते हैं, उसके लिए दवाइयां हैं। वो एक अच्छी डांसर है डॉक्टर, अरे बेकार की प्रॉब्लम हो गई, तुम एक काम करो अबॉर्शन के लिए जो भी करना है वो कर लो। नहीं अर्जुन, ये भी अच्छा रहेगा ना, हमारा प्यारा क्यूट सा बेबी होगा। हाँ अच्छा तो होगा, बट तुम एक डांसर हो यार, बच्चे को गोद में रख के तुम कैसे भला नाच सकती हो? वो सब मैं देख लूंगी अर्जुन। तुम मुझसे प्रॉमिस करो निशा, प्लीज प्लीज, देखो तुम्हें डांस करना है निशा, प्लीज निशा, तुम डांस नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा निशा, तुम और मोजो कितना अच्छा डांस करते हो, प्लीज। ओके अर्जुन, तुम्हारे सामने डांस करूंगी मोजो के साथ। सच कह रही हो? हाँ सच में, प्रॉमिस। एक बार और प्रॉमिस करो। प्रॉमिस अर्जुन। निशा, अबॉर्शन नहीं करेंगे डॉक्टर। गुड डिसीजन, थैंक यू। निशा जरा यहाँ देखना। भागा लो क्या? वीडियो निकालने का टाइम है क्या? बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे बता सकते हैं ना कि उसकी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई थी, फेसबुक पर थोड़ी डालूंगा। तुम कितनी जॉली सी थी। स्लो ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ये कहाँ से आ गया? फारी, ओके, यस, कीप अप कॉम, ओके। कोई लेडी डॉक्टर नहीं है क्या? कूल डाउन, कूल डाउन। क्या हुआ? रिलैक्स, बच्चा आ गया क्या? ऐसे चिल्लाए जैसे तुम्हारी डिलीवरी हो गई। रिलैक्स, काम करो। नो नॉट येट। रिलैक्स, लाई डाउन। क्या बोल रहे हो? कम ऑन, लाई डाउन, रिलैक्स। कोई और तरीका नहीं है? ट्राई योर बेस्ट। अर्जुन, मुझसे नहीं होगा। रिलैक्स, रिलैक्स, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र। अर्जुन, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा निशा। एक मिनट, एक मिनट, बर्दाश्त नहीं हो रहा अर्जुन, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहीं तो पास हूँ। अर्जुन, अर्जुन, काम डाउन, रिलैक्स, हो जाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो निशा, निशा, अर्जुन, देखो तुम ऐसा करियो तो मुझे बहुत डर लगेगा। रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन, अर्जुन, ये मुझसे प्यार करती है ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये कितना प्यार करती है ये मैं आज जान पाया। जैसे कोई मर के जिंदा होता है उसकी हालत आज बिल्कुल वैसी ही थी। उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरी निशा वापस कर दे, ऐसा मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था। हमारे देश को छोड़ के बाकी सभी देशों में बच्चे के बाप को पास में रहना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने मजाक मजाक में ओके बोल दिया। उसके बाद पता चला कि माँ कितनी तकलीफें उठाती हैं, दर्द उसे हो रहा था और तकलीफ मुझे। अब समझा हमारे देश में बाप को क्यों अलाव नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चा होते ही जिंदगी बदल जाती है, इस बात का मुझे एहसास हो गया।
हम एक नए घर में आ गए, एक खूबसूरत बच्चे के साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर जाकर खूब नाचू गाऊं खुशियां मनाऊं, और उसके लिए मेरी नजर में एक... अरे तूने ऐसा क्या खाया? अब तो तेरी पॉटी साफ करना ही मेरे लिए काम रह गया है। क्या है? सैंडल वुड है, बहुत खुशबू आती है इससे। निशा, लगता है बच्चे को पूरी तरह से अर्जुन ही संभालता है। पूरी तरह से वो ही संभालता है, और अब मैं अपने डांस कॉम्पिटिशन में फोकस करने वाली हूँ। थैंक्स। ओ, तो यही है। मीना, आप इसे समझाइए। शी मस्ट कम अर्ली रेगुलरली। वी मस्ट विन। हार्ड वर्क करने पर ही जीत पाएंगे। तो सारे आइडिया यही देती है क्या? कैसा आइडिया? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं? अरे वो तुम नहीं समझोगी ना। मैं जरूर समझूंगी, ट्राई मी। बोलो ना। बात यह है कि आज हम सब लोग बहुत खुश हैं ना। देखो ना, आज तुम भी कितनी खुश हो। और इसका बस एक ही कारण है, इस घर में बच्चा जो आया है। और उसे छोड़कर सालसा वालसा लाइफ पूरी उल्टी हो जाएगी। ये सब कुछ छूट जाएगा ये सोचकर ही मैंने अर्जुन को समझाया था। तो ये आइडिया तुम्हारा था? क्यों, क्या मैंने गलत किया? निशा तुम ही बताओ ना, मैंने इसमें क्या गलत कहा? बच्चा हो जाएगा तो मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, ये सोच के पैदा कराया? निशा, उसके चाचा ने तुम्हें बता दिया है ना, तो उससे पूछने की क्या जरूरत है? इनकी सोच ही घटिया। अर्जुन, मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, मैं तो जनरल बात कर रहा था। इन लोगों ने गलत समझ लिया, मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। नहीं रह सकते, कहना जरूरी था क्या? अब इसके बाद मुझसे कभी बात मत करना। अर्जुन, हे निशा, मैंने ऐसा सोच के कभी कुछ नहीं कहा यार। हे निशा, बेकार में क्यों रूठ रही हो यार? बच्चा हो जाएगा, मैं घर पे रहूंगी, घर संभालूंगी, है ना? यही तुम्हारा प्लान था ना? सच कहा ना? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो यार? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कसम खा के कहो। इतनी छोटी सी बात के लिए बच्चे की कसम क्यों खाने के लिए बोल रही हो तुम? क्या? ये छोटी सी बात है? हाँ अर्जुन, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था निशा, कम से कम मेरी बात ध्यान से सोच तो लो। सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। इसके पैदा होते टाइम जितनी तकलीफ हुई थी ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हो रही है अभी। तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया अर्जुन, ये गलत है। बेकार की बात मत करो निशा, उस दिन हॉस्पिटल में तुमसे भी ज्यादा दर्द मुझे हो रहा था। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, लेकिन अब तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूँ, ये बात समझ लो। बेकार में जो मन में आता है वो मत बोलो। अभी तुम क्या चाहती हो? हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है, बच्चा है, हम खुश है, और क्या चाहिए? बोलो, इससे ज्यादा कुछ चाहिए? अपने बारे में क्यों सोचते हो हमेशा? दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते? अभी तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सोच क्या रही हो तुम? बस करो अर्जुन, बहुत हो गया। हमारे पास सब कुछ है पर ये काफी नहीं है। तो तुम क्या बोल रही हो निशा? तुम भी तो अपने बारे में ही सोच रही हो ना? अर्जुन, आई वॉन्ट टू क्लियर इट, इस बारे में बात करनी है। ठीक है, चलो बात करते हैं, आओ मेरे साथ। चलो, खाने का टाइम पर क्या बात करनी चाहिए, इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है। संभाल के वहां चिल्लाने के लिए सॉरी, तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है, अपने फ्यूचर की बात करूं? तुम जानते हो डांसिंग वो कंपटीशन मेरा सपना था, फिर तुम आए, फैमिली, बच्चा, मैंने इनके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, लेकिन अब मुझे डांस करना है, कंपटीशन जीतना है। सब करना चाहती हूँ अर्जुन, बट अगर घर के कामों में बिजी हो गई और घर पर ही बैठी रही तो ये सब नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम बताओ अर्जुन, सोच के बताओ, मैं करूं या रहने दूं? रहने दो यार।
खुश हैं हम, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। सिचुएशन को बेकार में क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो? रहने दो ना निशा। मैं डांस करूंगी, जरूर करूंगी और जीतूंगी भी। मन में जो होता है वो मैं कह देता हूँ। मैं अपने हिसाब से डांस करूंगी, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगी और जरूर करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे अब इसकी कोई चिंता नहीं। मेरी किस्मत फूटी थी तुमसे शादी की। निशा, निशा रुको एक मिनट। गया क्या? सो गया। तो मुझे तुमने फ्रैंकली कहने के लिए कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मन में जो होता है वो मैं कह देता हूं, छुपाता नहीं हूं। इसमें मैं क्या करूं, मेरी आदत है। Hi, how are you? It's been a long time. You got married. That's my son. And you have a baby. That's my husband. Oh, fine. You are together. Obviously. Okay. Fine. Michelle. Yeah. इसने अभी जो किया वो गलत नहीं लगा तुम्हें? बेकार की बात मत करो, मुझे कुछ गलत नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस शहर में कुछ गलत नहीं है। निशा, हम लोग लंदन में हैं, हम कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, हम बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, क्लब में जाते हैं, डांस करते हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन हम लोग अंग्रेज नहीं है, हम इंडियंस हैं। हमारी एक संस्कृति है, हमारी माँ बहन बेटी को कोई तुरंत बाहों में आके भर ले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मेरे बदन में तो ये सोचकर आग लग गई है, जी करता है कि उसको जाकर अभी मार दो। अगर वो बाहों में भरता है तो उसे धक्का दो, चूमता है तो चप्पल उठा के सीधे उसे मारो। ये हमारी संस्कृति है, ये कभी मत भूलना। और इस बात से अनजान हमारे देश में भी बहुत सारे घूम रहे हैं, ये सब नहीं चलता है। निशा, मन तो करता है कि जाके उसे जान से मार डालूं, जाऊं मार दूं उसे। जाओ अर्जुन, मार दो, बस यही बाकी रह गया है। जितना नीचा दिखाना था दिखा दिया। मेरा दिमाग खराब मत करो, उसे मारना है मारो, जो करना ही करो। हमारा रिश्ता आज से खत्म, गेट लॉस्ट। Thank you.
अब याद नहीं जाएगा, बल्कि डर गई। कहीं वो मुझे दोबारा फिर से ना रुला दे, मैं भाग गई। साथ जो हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर मैं दुखी रहूं। मैं मानता हूं कि मेरा बच्चा गुजर गया है, इसमें क्या करूं? वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट। वो अक्सर होता है, लेकिन अच्छों के साथ नहीं बल्कि बुरों के साथ होना चाहिए ऐसा मानकर नहीं होता है। वो कुदरती होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन वो है कि बच्चे के गम में घर में बैठकर उदास रहेगी। दुख मुझे नहीं होगा, मैं दुखी नहीं हूँ, उदास नहीं हूँ। अगर वो माए तो मैं भी उसका बाप था उसका। मैं मानता हूँ कि बच्चे को पैदा मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं बच्चे की पोटी तो साफ करता था, रोजाना करता था। उसने अभी तक बोलना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन उसकी कहकारी आज भी सुनाई देती है। उसने बहुत बातें की है, जब भी याद करता हूँ कलेजा मुंह को आता है। हमारे हाथों में क्या है? हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा ऊपर वाले को पसंद आ गया, इसलिए उसने उठा लिया। रख लो, लेकिन हमारी औलाद को संभाल के रखना। वो मेरा बच्चा है, लेकिन क्या जिंदगी यहीं रुक जाएगी? चलनी चाहिए, इट हैज टू मूव, यू नो। ये उसे भी समझाइए, ऐसे रहेंगे तो कैसे दूसरा बच्चा पैदा करेंगे? 10-10 बच्चे पैदा कर सकते हैं, मगर बच्चा पैदा करने के लिए उसे आना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, बुलाइए उसे। सुनाई दे रहा है? बुलाइए उसे, अपने घर चल, मुझे एक और बच्चा चाहिए, और उसके लिए तुम्हारी जरूरत है। बता दीजिए उसको। किया था इसलिए आई, लेकिन अंदर आने से पहले 3 बातें बता दूं, वो भी साफ-साफ। 1, तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे, तुमने बात की तो मैं यहां से चली जाऊंगी। चेहरे पर उदासी रख के यहां घूमना वहां घूमना ये सब करके सिंपैथी गेन मत करना प्लीज, इट वोंट वर्क। और मैं डांस कॉम्पिटिशन में डांस करके रहूंगी, वो भी उस मोजो के साथ। अगर ये सब ओके है तो सिर्फ एक बार ही ऐसा करना, और अगर नहीं है तो 5 सेकंड के लिए साइलेंट रहना, यहां से चली जाऊं। Thank you.
डांस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डांस है वो, उसे डांस बोलते हैं। अगर डांस करना है तो अकेले जाके करो ना, नहीं तो बोलो हम दोनों मिलकर करते हैं। उसके बदले ना जाने कौन आता है, यहाँ हाथ डालता है, उधर हाथ लगाता है, कभी कंधे पर छूता है, कभी वहाँ छूता है। ये सब देखकर तालियां बजाने वाला मैं कोई ऑडियंस नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। जहाँ पर मुझे छूना चाहिए वहाँ पर कोई और आकर छूता है तो मेरे में और उसमें फर्क क्या हो गया? मैं जानती हूँ तेरे छूने और उसके छूने में फर्क जानती हूँ मैं। क्या मैं उसके पास जाके सोती हूँ? वो डांस है, डांस ऐसा ही रहता है। तुम क्या जानो, एक आर्ट है, चित्र है। अच्छा, ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती तो बोलती क्यों हो? मुझे तो नहीं पता रहा है। तुम कैसे जानोगे? सही कहा तुमने, मैंने तकलीफ उठाकर तुमसे प्यार किया, शादी किया और अपने घर में लेकर आ गया तो दूसरा कोई आकर मेरी पत्नी का चित्र बनाएगा? फिल्मों में माधुरी दीक्षित के साथ कोई हीरो डांस करे तो उसे देखकर हम मजे ले सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को कोई और छुएगा तो मैं भला मजे कैसे ले सकता हूँ? मैं किसी के देखने के नजरिए से बता सकती हूँ कि उसकी नीयत कैसी है। जानती हूँ मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ। उस पे विश्वास तो रखो, अपनी पत्नी पे भरोसा करना चाहिए। मैंने नहीं किया, ठीक वैसे ही सबको छोड़ छाड़ के बच्चा पैदा करके नहीं दिया? तुमने मेरे लिए आज तक क्या छोड़ा, एक चीज बताओ। मैंने छोड़ तो दिया, जाओ नाच लो। उस मोजो के साथ ही डांस करने के लिए छोड़ दिया मैंने तुमको। हमारे यहाँ पर अपनी मंगेतर हो या अपनी पत्नी हो, सिर्फ इतना ही नहीं, जिस पर लाइन मार रहे हैं अगर वो लड़की भी किसी और के पास चली जाए तो पूरे बदन में इतनी आग लगती है कि मुंह से धुआं निकलने लग जाता है, और उसको जो दर्द होता है ना वो तो तुम कभी जान ही नहीं सकती। हमारा कलेजा जल जाता है। जाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है, लेके जाओ, उसी का फोन होगा। तो और जाओ, जाओ और जाके उस लंगूर के साथ जितना डांस करना है करो। लेकिन निशा, जो एहसास मुझे होता है ना वो एहसास तुझे भी होगा एक दिन, देख लेना, क्योंकि मेरा दिल कहता है कभी तुझे मेरी पीड़ा का एहसास होगा। So we have the drop, and then the turn, and then the double drop, okay? Let's go. Are you okay? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, very good. 1, 2, 3, and turn. Double and double and drop. Wow, that was good. 1 second, 2 second. Hey. What's happening, Misha? Are you okay? Let's do the other one. Which one? The leg up one. Why not this? Okay, let's go. Yeah. Can you hold it? Come on. Let's go. Come on. One step. Give me a leg. 1 second, Mojo. Kya hua? Nisha, ye kya kar rahi ho? Something seems to be wrong. Sorry. Only 3 weeks bache hai. Yeah. We'll do Next. The other one. Let's go. 3, 4, up, chin up, look up, look into my eyes, put this hand here, look up and look into my eyes. आज रहने दो. Come on, Nisha. बाद में करते हैं मुझे. What? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा. सुनो, तुम लोग इसे अकेला छोड़ दो. Thank you. Okay, बताओ निशा, what happened? बताओ ना, क्या हुआ है? कान कॉन्सेंट्रेट, उसी की तरह सोचने लग गई, सब गलत गलत दिखता है। ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी ना, अब कोई फायदा नहीं है। देखो, अब दो ही रास्ते बचे हैं, या ये या वो। मर्द ऐसे ही होते हैं ना, सवाल ही नहीं उठता है। नो चांस, कभी नहीं सुधरेंगे। डांस क्लास इतनी जल्दी खत्म हो गई, क्या बात है? हो गया। क्या हो गया? तुमने जो सोचा था ना, हो गया। मैं डांस कर ही नहीं पाई। तुमने कहा था ना, यहाँ छूता है, वहाँ छूता है, वही दिमाग में चल रहा था। ये क्या बात कर रही है? मैं अब नाच नहीं पाऊंगी, तुम्हारी बातों के चक्कर में जो आ गई। भरोसा करना ही बेकार है। सुनो, ये क्या निशा? अच्छा, एक मिनट रुको। It's just not happening, man. There's no sign. Cooperate नहीं कर रही है, छूने से अलग बिहेव कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं किया। प्रैक्टिस तो पूरी होनी चाहिए ना।
समझो, ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात मानो। एक दो मिनट वेट करो, मैं उसे समझा के आता हूँ। जाके उससे बात करो। आप कूल मैन, आप कूल। तू मरेगा तो मेरे ही हाथों। हे प्लीज निशा, मैं मानता हूँ कि सुबह मुझसे गलती हो गई, मेरा यहाँ आना ही प्रॉब्लम था। तुम जाकर प्रैक्टिस करो, सिर्फ 15 दिन बचे हैं, गुस्सा मत करो, चाहो तो मैं चला जाता हूँ। अर्जुन, 3 महीने पहले मोजे ने मुझे प्रपोज किया था, तब मैं अगर सोच लेती तो अभी नहीं पछताती। अब मैं नाच नहीं पाऊंगी किसी के साथ भी, बस अब खुश। अरे मेरी बात सुन तो लो निशा, अरे मैंने गुस्से में बोल दिया, बुरा मत मानो ना। जिस दिन तुमसे प्यार किया, जिस दिन तुमसे शादी की, उसी दिन सब छोड़ देना चाहिए था। मैं ही पागल थी, समझ ही नहीं पाई, मेरी गलती थी सारी। तुमने जो चाहा हो गया, चलो अब क्या चाहते हो बोलो, चलो घर चलते हैं, जो चाहे करो। कम से कम मेरी बात सुन तो लो, गुस्सा मत करो, एक दो मिनट मेरी बात सुन तो लो ना। मैं अभी आता हूँ, प्लीज तुम यहीं पर रहना। मोजो, मोजो, एक मिनट। Yes. प्लीज मोजो, मेरी बात सुन तो लो, एक मिनट रुको। अर्जुन, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं कैसे समझूंगा? No, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। मैं 1 2 3 बोलकर यहाँ हाथ रखता, वो हटा देती है। यहाँ हाथ रखो, वो हटा देती है। Hell man, how do I walk? मुझे सुनो, please. It's not happening. I go this way. It's a step. हाथ हटा देती है, डांस नहीं हो पा रहा है। This no concentration. कुछ हो नहीं पा रहा। मैं इस तरह से स्टेप करके जब उसे देखता हूँ, and I turn, कमर पर हाथ रखता हूँ, तो वो हटा देती है। बिल्कुल ऐसे ही करती है, बिल्कुल ऐसे ही करती है। समझ गए? तो कैसे डांस करेंगे? इतना ही नहीं, ये वाला मोमेंट देखो, लुक एट माय आईज। मुझे मेरी समझ रहे हो ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो, खाए बगैर वो प्रैक्टिस में आई है, अब कुछ भी करके प्रैक्टिस पूरी करो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज प्लीज, वेट 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 वेट। देखो मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया है। ये थक्कन बहुत मार रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हो, लो पकड़ो बैग को और तुम अंदर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्लीज मेरी बात, मेरी बात नहीं समझ रहे, यू नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा मैं अब से यहाँ नहीं आऊंगा, कॉम्पिटिशन में भी नहीं आऊंगा। प्लीज मोजो, कमर पे हाथ नहीं रख सकता, मुंह पे हाथ नहीं रख सकता, तो डांस कैसे होएगा? प्लीज मुझे अब जाओ ना अंदर, मैं कंपटीशन में भी नहीं आऊंगा, अब मेहरबानी करके अंदर जाओ मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज अर्जुन, इधर आओ। क्या हुआ निशा? मोजो को क्यों मारा? हाँ? मोजो को किसी ने मारा? तुमने उस बेचारी को क्यों मारा? ओहो, ये क्या बोल रही हो? Is he fine now? हेलो, मैं तुम्हें सर से लेकर पैर तक अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। निशा प्लीज मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। अर्जुन, कम से कम जैकेट तो भूल के नहीं आते। हे, मैं यही तो जैकेट ढूंढ रहा था, ये तुम्हें कहाँ से मिला? I'm a playboy, baby, playboy, baby. Wow, I'm a playboy, baby. तू इससे शादी करेगा? What are you doing? What is this man? लोग जानते हैं अर्जुन, अब वो नाच नहीं पाएगा। खुश? हे, अरे छोड़ो ना, मोजो गया भाड़ में, उसके किसी से खुन्नस हुई होगी तो उसने उसे मारा होगा और इल्जाम मुझ पर लग गया, अब वो नहीं है तो क्या हो गया? ओ अर्जुन, तुम समझते क्यों नहीं हो, कंपटीशन के लिए 15 दिन ही बचे हैं। अरे तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही ना। अरे उस डांस के लिए पार्टनर चाहिए, डांस पार्टनर मेल होना चाहिए। अब उसे कहां से लेकर आऊं? तुम्हारे हिसाब से लड़की को सिर्फ उसका पति चुनना चाहिए, और मुझे छूने की राइट्स तुम्हारे पास ही है, डांस तुम्हें ही करना होगा। सही बताओ, आता है या नहीं? अब मुझसे कुछ बोलोगे? अच्छा तुम चाहती क्या हो, बस डांस ही करना है ना? ओके, मेरी जिंदगी के इस एपिसोड का नाम है आ बैल मुझे मार। ओह, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तुम अच्छे हो ना? कहीं तू गिर तो नहीं गया? पैर दबा, फुल स्ट्रेच कर दिया चाचू, बस इतना ही ना? आराम से पैरों को सीधा ही रखना, मोड़ना मत। इतनी सी बात के लिए इतना चिल्ला रहा है?
मैं और डॉली जब एक साथ सालसा करते हैं ना तो पूरा बदन बटा 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 करके हिलता है। लीवर किडनी सब एक साथ हिलने लगता है, मुंह से धुआं निकलता है। अरे तू है कि मैं अभी भी बोलता हूँ, डांस में मैं सबको पछाड़ सकता हूँ। चाचू जरा हाथ देना अपना। हाथ दू? अभी अभी झोंक मारा था ना। हाँ हाँ, उसके लिए हाँ। मैं कल हंसूंगा चाचू। जो भी आएगा उससे मैं इस अरे लेकिन मैंने क्या किया? मेरी बेइज्जती कर रहा है। Tonight, prepare for fireworks as the dancers get ready to put on their best performance on this stage tonight. Who will leave or who will stay depends on what they do tonight. So let's wait and see who's the best dancing couple tonight. Are you ready for the biggest competition in UK history? Ladies and gentlemen, let's dance! जहां तक मैं आराम से आ सकती थी, लेकिन किसकी वजह से क्या हुआ है तुम अच्छी तरह से जानते हो। शादी करके बच्चा पैदा करके ये देखो वजन बढ़ गया है, अब मैं डांस कैसे करूंगी? For the first time in UK dance history, we have a couple that come straight from my hometown, India, Mumbai. यहाँ पे डांस करते समय प्लीज मुझे रुलाना नहीं, बस और कुछ नहीं, कम से कम अब तो मुझे समझो अर्जुन, प्लीज अच्छे से डांस करना। अरे करूंगा यार, ऑल द बेस्ट, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। ओके तुमने कहा था कि स्टेज पर आकर मुझे रुलाना नहीं, और मुझसे वही हो गया। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, इतनी भीड़ को देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई, बस इसीलिए मुझसे कुछ हो नहीं पाया। जजेस ने भी बहुत बुरा भला बोला, उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो लेकिन अपना पार्टनर बदल दो तो हम तुम्हें एक चांस और दे सकते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबके सामने बेइज्जती हो गई। मैं जानती थी अर्जुन तुम ऐसे ही करोगे, मैं जानती थी। उन्होंने खुद बोला ना कि अपना पार्टनर बदल लूं, मैं किसी और के साथ डांस कर लूंगी। ये सब टच करने की बातें भूल जाओ अर्जुन, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, समझा करो प्लीज। थोड़ा सा भी डांस जानते होते तो कोई बात नहीं, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। चलो ये करके दिखाओ, कर पाओगी क्या? मुझे डांस नहीं आता बोलकर मजाक उड़ाती हो, वो कैसे ला 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 ऐसे नाचेंगे तो ही डांस कहलाएगा क्या? तुम्हारे लिए वो डांस है तो मेरे लिए ये डांस है। हम अपने यहाँ ऐसे ही नाचते हैं, हमारे यहाँ इस डांस पर सीटियाँ बजती हैं, तुम्हारा डांस देखकर तो सभी सो जाएंगे। निशा मेहरबानी करके मेरी एक बात मान लो, देखना इस बार कन्फर्म होगा हो जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी जिंदगी के इस एपिसोड का नाम है आई एम अ गली डांसर। बस यही तो मैं चाहता था। अच्छा अब ये तुम्हारी जो जीभ है ना ये जरा निकालो, जरा और बाहर निकालो, निकाल के दबाओ 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 और दबाओ जोर से, ऐसे आवाज निकलनी चाहिए। सुपर, यस, वेरी गुड निशा, देखना हम ही जीतेंगे। We are here for the second round of Let's Dance and all I can say is it's definitely going to get bigger and better. So let's start with our wild card entry, Nisha, and her new partner. मैंने पहले ही कहा था ना कि हम अगर अपने देश का डांस करेंगे वो चाहे किसी भी देश में करें वो सुपर हिट ही होगा।
लेकिन अर्जुन प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी। प्रॉब्लम? हे, आपके डांस के बदले फाइट करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या अर्जुन, एक राउंड जीतने से क्या होगा, अभी ऐसे और 14 राउंड जीतने हैं। ओफो, मैं कैसे जीतूंगी समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुम्हारे साथ। ऊपर वाला जो है ना वो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही देता है। वेरी गुड बेटे, इस बार दिवाली पर खूब पटाखे फोड़ूंगा। Congratulations, my boy. आपका भाई? मैं पहले ही आ गया था, बाहर था, अंदर आने में काफी टाइम लग गया, वहाँ ट्रैफिक जाम था ना। ओ पापा, कितनी बार बताऊं, क्यों वो डिब्बा गाड़ी चलाते हो, नई गाड़ी ले लेनी चाहिए ना। Hey, Raghav, you did a great job, man. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा। सर, ये मेरे पापा हैं। Oh, hello. Hello, sir. पापा, ये मिस्टर विनायक है, गो कैब्स के CEO, प्लस मेरे स्पॉन्सर भी। Wonderful. That's nice. My Thank pleasure. you so much for your support. यो तो मेरा सपना भी बॉक्सर बनना था सर। ये क्या कह रहे हो तुम? पापा का बिजनेस है, उनके खुशी के लिए मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया, और राघव जैसो के अचीवमेंट पे बहुत खुशी होती है। That's wonderful. Thank you, God bless you. Thank you, sir. शांति दीदी ने जो नेकलेस पहना हुआ था अच्छा था ना? हाँ बाबा। शादी बहुत ही अच्छी थी। हाँ जी। अरेंजमेंट भी लाजवाब था, बहुत अच्छा लगा। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी, क्या हुआ, कुछ बोलो भी। क्या कर रहे हो तुम? गहने उतारे कबूल। क्या कर रहे हो? चुपचाप अपने गहने उतारे हो। बजे पापा और बेटा नाइट ड्राइव। वाओ, कुछ तो मिसिंग लग रहा है पापा, आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं है, कुछ परेशानी है क्या? नहीं। एनर्जी
लगाओ। राघव, 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 मैं जो बताने वाला हूँ सुनकर शायद डर लगे, बट एज ए डॉक्टर बताना जरूरी है। एक्सीडेंट में ब्रेन और आँख को कनेक्ट करने वाली ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है। इस कंडीशन को मेडिकली ऑप्टिकल ऑट्रोफिन कहते हैं। अब फ्यूचर में आपको ऐसे ही दिखाई देगा, आई मीन 2 फीट से ज़्यादा दूर आप देख नहीं पाएंगे। टेक केयर, आई एम सॉरी। Shall we go? लेजर या किसी और तरीके से क्योर नहीं कर सकते क्या डॉक्टर? नहीं, शायद फ्यूचर में क्योर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट आ सकती है या नहीं भी आ सकती। इसके बाद ये ऐसे ही रहने वाले हैं। हम लोग उससे अभी मिल सकते हैं क्या? ओ यस, जरूर। कौन है? डॉक्टर, मैं हूं यार। अरे तू, अरे पापा कैसे हैं? मधु, पापा को क्या हुआ? कोई कुछ बताएगा? पापा को क्या हुआ? मधु, मधु, मधु बोलो, मधु। मैं इंस्पेक्टर मुकीम हूँ, सिटी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। मुझे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, इस पर एक साइन करना होगा, एक्सीडेंट केस के लिए जरूरी है। 2 दिन पहले भी मैं आया था, लेकिन उस वक्त ये होश में नहीं थे। ये एक्सीडेंट एक हादसा था या फिर किसी की साजिश? आपको किसी पर शक है? ओके, आप इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। राघव से साइन ले लिया है सर। उसको मर्डर के बारे में कुछ पता है? नहीं नहीं सर, वो इसे एक्सीडेंट ही समझता है, उसे कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो बताना। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। अभी आप घर जा सकते हैं, लेकिन रेस्ट की बहुत जरूरत है। ब्लर दिखने वाली चीजों को घूर के मत देखिएगा। नेक्स्ट वीक इन्हें चेकअप के लिए फिर से लाना होगा।
पल वो सभी घर याद अगर आ जाए, दिल को भला कैसे कोई मेरे यारों फिर समझाए। जिसके संग सपने सजे वो साथ अगर छूट जाता है, कुछ रहे फिर पास नहीं इंसान ही लुट जाता है। हे राघव, नो क्राइंग, ओके, नॉट टू वरी। पापा, ये सब झूठ है ना पापा? आप फिर से आ जाओगे ना पापा? ये सब सच नहीं है ना? प्लीज पापा, मैं अकेले नहीं रह पा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको कोई कंट्रोल नहीं करूंगा। आप पुराना ही फोन यूज कीजिए, बालों को डाई भी मत करना। पद्मिनी में चलते हैं पापा। एक बार भी मैंने अपनी पद्मिनी को धक्का नहीं दिया पापा। एक बार जाना चाहिए आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे। मुझसे नहीं हो रहा है पापा। आपको एक बात पता है पापा, मैं बॉक्सिंग नहीं कर पा रहा हूँ पापा। 2 फुट से आगे देख नहीं सकता, अकेले घर में अंधे की तरह रह रहा हूँ। प्लीज पापा, मुझे छोड़ के मत जाइए। मुझे छोड़ के मत जाइए पापा, प्लीज पापा आ जाइए पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा आ जाइए पापा, प्लीज पापा मत जाइए। जिसके संग सपने सजे वो साथ अगर छूट जाता है, कुछ रहे फिर पास नहीं इंसान ही लुट जाता है। चलो बाहर चलते हैं। नहीं चलूंगा। तू 2 फुट से आगे देख नहीं सकता, इसीलिए ना? 2 फुट तो देख सकता है ना? चलो। मेरा मूड ठीक नहीं है मधु। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती राघव। बॉक्सिंग रिंग में तू मार खाकर गिर जाता था, लेकिन फिर दोबारा उठकर जी जान से लड़ता था, तो वही राघव है ना? ये लड़ाई भी वही है। बस अब उठ जा, उठ जा। यादें कुछ यादें हैं ऐसे, साथ ना छोड़े कभी। हाथ वही है हाथ जो ये साथ ना छोड़े कभी। जिसके संग सपने सजे वो साथ अगर छूट जाता है, कुछ रहे फिर पास नहीं इंसान ही। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बेटा, चीयर अप। अब मैं ठीक हूं। तुम और कितने दिन यहां पर रहोगी? जाओ घर जाओ। मैं घर पे बता चुकी हूँ, इट्स ओके। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। नमस्ते सर, मैं भीष्म नगर सिमेट्री से आ रहा हूँ सर। ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट डिलीवर करना है। ठीक है, तो चंद्रमौली सर को ही दे सकता हूँ, इससे उनके सिग्नेचर चाहिए। आप उनको बुलाइए सर। अंकल को कैसे बुलाऊं? डेथ सर्टिफिकेट किसका? सर पिछले महीने 19 तारीख को किसी भैरवी की डेथ हुई थी, उन्हीं का सर्टिफिकेट है। भैरवी? नहीं नहीं, हम लोग किसी भैरवी को नहीं जानते। अच्छा सर, चंद्रमौली सर का घर यही है ना? हाँ है। तो उन्हीं को बुलाइए ना सर। देखो भाई, उनको गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। ओह, डेथ हो गई सर। ठीक है सर,
तो फिर आप ही साइन करके ये सर्टिफिकेट ले लीजिए। ए, कहा ना किसी भैरवी को हम नहीं जानते, तो साइन क्यों करूं? सर, केयरटेकर की हैसियत से चंद्रमौली सर ने साइन किया था, आप खुद ही देख लीजिए, ये उन्हीं का साइन है ना सर। मैंने उन्हें बताया था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में 10-15 दिन लग जाते हैं, आज सुबह ही आया है तो मैं ये सर्टिफिकेट खुद लेकर आ गया सर। ये पापा का ही साइन है। What? कहीं वो अंकल की दूर के रिश्तेदार तो नहीं है यार? नहीं। या फिर मम्मी की साइड के? मम्मी पापा की शादी होने के बाद माँ के साइड से कोई हमें देखने भी नहीं आया। लेकिन किसी को भी बताए बिना राम अंकल से बात करनी होगी। राघव बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम अब सिर्फ 2 ही फुट देख। भैरवी कौन है? कौन भैरवी? वही जिसके मरने के बाद पापा ने उसका अंत्य संस्कार किया था, वो भैरवी। राघव, अभी तुम घर पर जाओ, मैं बाद में बात करता हूं। नहीं अंकल, मुझे जानना है। पापा ने हमसे भी ज्यादा आपके साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर की हैं अंकल। प्लीज अंकल बताइए। तुम्हारे पापा ने उस लड़की के बारे में कई बार मुझे बताया है। ज्यादातर मैं और वो ट्रेन में ही सफर करते थे। ट्रेन में? हाँ बेटा, पर वो चाहते थे कि इस बारे में तुम्हें पता ना चले, वरना तुम दुखी हो जाओगे। हाय रामू, अभी तक यहाँ बैठकर बुक पढ़ रहा है, मुझे तो लगा तू चला गया होगा। व्हाट हैपेंड? तेरा बेटा तो तुझे नई कार दिलवाने वाला था ना? हाँ, तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि नई कार आए तो मैं उसी से जाऊं। ए, मेरी पद्मिनी के बारे में तू अच्छी तरह जानता है, वो रुक रुक कर चलेगी लेकिन मुझे कभी नहीं रोकेगी। तुझे पता है 2 दिन पहले पेट्रोल पंप पर यू नो व्हाट हैपेंड? रुक गई? नहीं, क्या? रोक दिया गया। सारे टायर्स की हवा चेक करो। ओके, ओपन। कौन? हाय। हाय, मेरा नाम भैरवी है। अच्छा है। आप? मैं चंद्रमौली। हेलो। आपकी कार बहुत अच्छी है। क्यों, इसे पहले भी देखा है क्या? नहीं। तो क्या इसका कलर पसंद आ गया? हाँ। अच्छा, यू सी, मेरे पास जितनी भी पुरानी चीजें हैं मैं किसी को बेचने वाला नहीं हूँ। मिस्टर चंद्रमौली जी, कुछ कहूँ बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, अगर आप ये गाड़ी ऑनलाइन बेचने का प्लान बना रहे हैं तो मैं सोचूंगा भी नहीं। 20-25,000 भी नहीं आएगा। नहीं आएगा? हाँ। अगर मैं 1,00,000 रुपए दूँ तो आपको मंजूर होगा? तुम्हारे पास नोट छापने की मशीन है क्या? ये मेरी गाड़ी है ना? ये मेरी गाड़ी नहीं है। ओके, ओके डोकी, थैंक यू, वेलकम वेलकम। चल जा, चल चल चल। पद्मिनी नाक कटवाएगी क्या? मिस्टर चंद्रमौली, अब क्या हुआ? आपकी गाड़ी की एक फोटो ले लूं? ओके, थैंक यू, यू आर वेलकम। अब विथ योर परमिशन, क्या मैं जा सकता हूँ? फोटो भेजूँ क्या? कैसे? व्हाट्सएप? अच्छा, मोबाइल में? दरअसल मेरे फोन में मुझे कुछ आता नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है। लगता है मेरे पास जो भी है सब कुछ ले लेगी ये। ये आप क्या कर रही हैं? ये क्या है? ये मेरा नंबर है। आपका जब भी गाड़ी बेचने का ख्याल आए तो हाँ, कॉल मी। क्यों क्यों क्यों? मुझे आपकी गाड़ी बहुत पसंद है। अरे अरे, बाय। पर कैसे पता चला? मिस्टर चंद्रमौली, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है। उसके ठीक 4 दिन बाद उस लड़की ने तुम्हारे पापा को फोन किया। हेलो, यस मिस्टर चंद्रमौली, यस स्पीकिंग, हाय, मैं भैरवी। कौन? उस दिन पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी खरीदने के बारे में बात की थी। तेरे कार की कीमत 1,00,000 रुपए? Yes, 1,00,000। हाँ? मिस्टर चंद्रमौली। कौन? अरे ये तो वही,
ओके कौन है बे? कौन है? हाय हाय आप यहाँ क्या कर रही? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ ट्रेन पकड़ने आया हूँ। पद्मिनी सर्विस स्टेशन में छोड़ा है। आपका सर्विस स्टेशन रेलवे स्टेशन का पार्किंग लॉट है? देख लिया। हाँ देख लिया। पद्मिनी की मर्जी हो तो चलती है वरना यहाँ आकर रुक जाती है। फिर मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के ऑफिस चला जाता हूँ और यहीं से रिटायर। काफी पुरानी हो गई है ना? क्या कहा? मेरी पद्मिनी पुरानी हो गई? अच्छा बताइए आप इस उम्र में कितना चलती हैं? 10 किलोमीटर। मैं इस उम्र में 12 किलोमीटर चलता हूँ। पद्मिनी की थोड़ी उम्र हो गई है इसलिए यहाँ तक ही आती है। मैं अभी ओके कहकर उसे यहीं पार्क कर देता हूँ, ज्यादा ट्रेन नहीं डालता हूँ। ट्रेन आ गई। क्या आ गई? ट्रेन आ गई। हाँ आ गई। ट्रेन आ गई। बाय बाय। सर बैंक से लोन चाहिए था, वो अच्छा? पिछली बार बताया था ना आपको। तुम्हारा नाम नीरव मोदी है क्या? कितनी बार बताऊं सर, मेरा नाम स्वामीनाथन है। पता है, इसीलिए मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। ठीक है सर। तो बैंक में काम करते हैं आप? अरे ये क्या, आप छुप छुप कर मेरी बात भी सुन रही हैं? हाँ थोड़ी बहुत। हाँ मैं बैंक में काम करता हूँ। और तुम? मैं गरुड़ा कॉल टैक्सी में अकाउंटेंट हूँ। इससे पहले तो कभी तुम्हें ट्रेन में नहीं देखा? पहले टीकम नगर में रहती थी। अच्छा? अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। आज मेरा जॉइनिंग डे है। वेरी गुड। बेचारे वो लोग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप गहरी होती जा रही थी, जिसे मैं महसूस कर रहा था। हेलो। अब तक हेलो। नाम सेव नहीं किया। ओ भैरवी, सामने देखो ना। कहाँ? कहाँ? मिस्टर चंद्रमौली। अरे हाय, सामने होकर फोन कर रही हो? मिस्टर चंद्रमौली, मेरे पीछे ब्लैक शर्ट पहने एक लड़का बैठा है। कहाँ है? कौन वो जो पीछे बैठा है? अपने बारे में क्या सोच रहा है? अपने बारे में? वो क्यों अपने बारे में सोचेगा? हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं ना। किस्मत वाले हैं, एक बूढ़ा आदमी छोटी बच्ची के साथ मजे कर रहा है। कौन बूढ़ा? तुम। और छोटी बच्ची कौन? ऑफ कोर्स मी। सपने में? सपने में नहीं, सच में। किसे लगी है ये यंग बीमारी? ऐसी बात नहीं है क्या? कौन सी बात? मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की को भगाने की नहीं सोचते हो? ऑफ कोर्स सोचता हूँ। मगर कोई मिलती ही नहीं। अब रिवर्स गियर डालकर कहता है नो स्पॉन्सरशिप। कोई बात नहीं, कहे तो मैं ट्राई करूं। किसके लिए? स्पॉन्सरशिप के लिए। हाँ स्पॉन्सरशिप। कल सुबह गरुड़ा कॉल टैक्सी के MD अलगर से उसकी व्हाट मीटिंग फिक्स करा देती हूँ। उसे भेज दीजिएगा, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली तो? मिल गई तो व्हाइट बालों को काला करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो ब्लैकमेल है। अच्छा ठीक है, पापा को फोन करो, वो खुश हो जाएंगे। घर चल के बताते हैं। डायन ड्रेस ओके? राघव को ये सब पसंद है क्या? नो, पसंद नहीं है। व्हाट? कहा ना उसको पसंद नहीं है। कह रहा था इवनिंग में कोई बहुत बड़ी पार्टी थी। यू वॉन्ट टू सी? हाँ। It was really a beautiful party, but thank you for that. Thank you की formality छोड़कर तुम भी आ जाओ ना, अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कह सकते? अरे रे, वो तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। It's very easy. How? बोलिए, तुम आ जाओ। Oh, okay. तुम आ जाओ। हाँ? मत आओ। शाम को एक छोटी सी पार्टी है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप आ सकते हैं क्या? आ सकता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक्स लेता ही नहीं। पार्टी का मतलब सिर्फ पीना नहीं होता, साथ खा भी सकते हैं। खा सकता हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। ऑलराइट, लेकिन कहाँ? हाय। हाय, दिस इज फॉर यू। वाओ, थैंक यू। वेलकम। लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। मैंने हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं। पार्टी देकर स्पेशल गेस्ट बनाकर इनवाइट किया तो बर्थडे ना होने पर मैं गिफ्ट भी नहीं दे सकता क्या? ये तो है। वेरी फेयर। ये तो हम घर पे भी खा सकते थे, आपके घर पर। तुम्हारे घर? ओह सॉरी, तुम्हारे घर पर डिनर हम दोनों खा सकते थे। हाँ, पर डॉगीज डिस्टर्ब करते। ओह, तुम्हारे घर पे इतने डॉगीज हैं क्या? घर पर नहीं, फिर बाहर पास के घर में, पड़ोसी के घर पर। ओह दोस डॉगीज, उन्हें भोंकना है तो भोंकने दो। आप दिखने में बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं। रियली? इनफैक्ट आपकी गाड़ी खरीदने का रीजन भी वही था। पापा के पास भी वही मॉडल और सेम कलर की गाड़ी थी, इसलिए खरीदने का मन था।
आपसे दोस्ती करने के बाद पता चला कि आपका नेचर भी बिल्कुल मेरे पापा की तरह है। ओके। अब मैं आपको पापा कहकर बुलाऊंगी, ऐसा मत सोचिए। क्या हुआ? Nothing. तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? Actually, 5 साल पहले हम लंच कर रहे थे, अचानक पापा को चेस्ट पेन हुआ। हम उन्हें हॉस्पिटल भी ले गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, He is no more. Life is so unpredictable. अचानक से लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। अकेले रहने की आदत सी पड़ गई। ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ? आप भी कुछ बोलिए ना। I'm glad you did. क्या? कैसे? तुम इतना पेन कैसे? ओके, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बैंगलोर जा पाया। ओह, तो फिर बिल आप ही भर दीजिए। स्पॉन्सर मिला मेरे बेटे को, मुझे नहीं मिला। लगता है बारिश आने वाली है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर ये सीट तो आपकी वाइफ की है ना? सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस जुड़े होंगे ना मिस्टर चंद्रमौली? कम हियर। चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। ए पर मेरी फटाक से स्टार्ट हो जाना प्लीज। क्या हुआ? बारिश आने जैसा लग रहा है, इसलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ तुम्हें। गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं ना? यही कह रहा था। बारिश आई क्यों नहीं? गाना सुन सकते हैं क्या? वो नहीं। क्यों? अरे नहीं, वो डब्बा है, प्लेयर नहीं है। ये सब कैसे? ये हेयर पिन है, बाल को पीछे करके उसमें जो पिन लगाते हैं। यहाँ से लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट। ओके, बाय। Bye. Good night. Good night. ध्यान से जाइएगा। कुछ तो मुझे होने लगा, फिर तेरी बात से दिल को मेरे तूने छुआ। हर मुलाकात में संग संग तेरे हमेशा, साया मेरा साथ हो, है यही आरज़ू मेरी, हाथों में हाथ हो। तुम्हारे बैंगलोर जाने के 4-5 दिन के बाद रात के यही कोई 10-10:30 बजे तुम्हारे पापा ने मुझे फोन किया। क्या यार, इस समय फोन कर रहा है मुझे? हे, क्या कह रहा है तू? सर, इन्हें मैं जानता हूं, मुझे जाने दीजिए सर। सर, बताएंगे ये लड़की कौन है और ये हादसा कैसे हुआ? ये मर्डर केस है, जिसका खून हुआ है उसका नाम है भैरवी। ऑफिस के बाद जब ये घर जा रही थी तभी ये घटना हुई। हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। क्या अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है? जी, गो कैब के ड्राइवर को अरेस्ट किया है। और ज्यादा जानकारी मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाऊंगा। सर, गो कैब्स की गाड़ियों में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों घट रही हैं? इसके पीछे कारण क्या है? आप सच कह रही हैं, गो कैब से ट्रेवल करने वालों के साथ ये चौथी घटना है। इंक्वायरी के लिए एक अलग टीम बनाई गई है, पूछताछ चालू है, बहुत जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद भैरवी का अंतिम संस्कार तुम्हारे पापा ने ही किया। तेरी बहन का बेटा माधवन ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। उससे मिलना है। पर किस लिए? सब लोगों का मानना है कि भैरवी का खून उस ड्राइवर ने किया है।
माधवन से मिलकर किसी सुपीरियर ऑफिसर को यह सारी सच्चाई मैं खुद बताना चाहता हूं, इसीलिए। हे, अब ये सब करने से क्या फायदा? सर यहां एक साइन कीजिए। उसके बाद मैंने अपने एसआई भांजे से बात की, फिर तुम्हारे पापा डिप्टी कमिश्नर से मिले। भैरवी के केस में दखलअंदाजी मत कीजिए। पर क्यों, बात क्या है? मामा मेरी बात को समझिए, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। डिपार्टमेंट के मेरे सीनियर ने जो मुझसे कहा है वही मैं आपसे कह रहा हूँ। पर मैंने तुझे बताया ना, वो चंद्रमौली की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन चंद्रमौली नहीं मानेगा। सब खत्म हो जाएगा। हे! यही सब बताने वाला था कि अचानक उस रात तुम लोग ड्राइव पे चले गए। उस रात जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तेरे पापा को मारने के लिए ऐसा किया गया था। अरे का भांजा कौन से पुलिस स्टेशन में मिलेगा? इस बारे में मुझे ही नहीं, मेरे किसी भी सीनियर ऑफिसर से पूछोगे तो उसका जवाब किसी को भी नहीं पता। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा तो मैं उन्हें डिप्टी कमिश्नर के पास ले गया, लेकिन उनकी इस मीटिंग के बाद मुझे एक फोन आया और मुझसे कहा गया कि इसमें दखलअंदाजी मत करो, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। क्या ढूंढ रहे हो? कहो। एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर की एफआईआर को इसलिए उसे करने के लिए बोला है, इसलिए उसने किया। इसमें उसका एड्रेस है। कौन है? हाँ? कौन? आप लोग कौन है? जी, 20 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इनके पिताजी का देहांत हो गया, उसी के बारे में हम बात करने आए हैं। दोस्त, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं 10 सालों से गाड़ी चला रहा हूं पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ, मुझे मार डालो, मुझे जान से मार डालो। नहीं नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। मैं मणि बोल रहा हूँ भाई। हाँ मणि बोलो। वो राघव अचानक मेरे घर पे आ गया था। कौन? चंद्रमौली का बेटा? हाँ भाई, मैं तो उसे देखते ही शौक हो गया, दिमाग की घंटी ही उड़ गई थी। हाँ फिर? रोने का नाटक करके बेवकूफ बना दिया। तुझ पे डाउट तो नहीं हुआ? अरे डाउट का सवाल ही नहीं। एक मिनट भाई, फोन भूल गए थे। वहाँ बात कर रहा था ना, हमने सब सुन लिया। चल फोन दे। तू क्या लफड़ा करना चाहता है? बोला ना दे। साले को छोड़ना मत। Hey!
उस ड्राइवर ने ही किया है। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। क्या आपको किसी पर शक है क्या? इससे पहले जो चार इंसिडेंट्स हुए थे उनमें से पुलिस ने तीन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन एक अभी भी फरार है। तो अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो इस सब के पीछे किसका हाथ है इस बात का हमें पता लग जाएगा। एक के बाद एक होने वाले इंसिडेंट्स को देखा जाए तो सब आपके खिलाफ जाते हैं। 10 दिन में ही इतने सारे। एक मिनट। कट कर दिया। ए राघव, ये न्यूज़ देखी क्या? एक आईपीएस ऑफिसर एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। क्या यार, वो पहले ही हजार लफड़े में फंसा हुआ है, तू भी ना यार। अरे लेकिन वो कैसे टेक्निकली चीटिंग कर रहा था वो सुन ले। ठीक है बताओ। केरला में सबीर करीम नाम के एक बंदे ने आईएएस एग्जाम में ब्लूटूथ कैमरा को उसके शर्ट की बटन में फिक्स किया और अपने क्वेश्चन पेपर को लाइव कैप्चर करके अपनी वाइफ को भेजा। वहाँ से वाइफ ने सारे आंसर्स बता दिए ब्लूटूथ के जरिए और इसके लिए माइक्रो हेडफोन का इस्तेमाल किया। तो हम क्या करें? उस आईपीएस ऑफिसर की तरह हम तेरे शर्ट के बटन में भी कैमरा फिक्स कर देंगे और फिर ब्लूटूथ के जरिए इसका फोन और मेरा फोन कनेक्ट कर देंगे और कैमरा जो कुछ भी देख पाएगा उसे हम भी देख पाएंगे। 2 फुट के आगे जो कुछ भी तो नहीं देख पाएगा उसे हम तुझे दिखाएंगे। हेलो सर। राघव फोन किया था क्या? हाँ सर। सॉरी ऑफिस मीटिंग में थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं सर, अगर आप फ्री हैं तो सर मुझे आपसे मिलना है। तो फिर घर पे मिल सकते हैं? ओके सर। इस सब के पीछे कोई तो है सर, और उन लोगों का टारगेट आप ही हैं। अभी रिसेंटली जो भैरवी का खून हुआ था उस ड्राइवर को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन वो खून ड्राइवर ने नहीं किया था ऐसा मेरे पापा ने साफ साफ कह दिया था। असली कातिलों को वहां से भगा दिया गया और किराए के लोगों को गिरफ्तार करा दिया। उनमें से किसी एक को बाहर निकाल के अगर पूछताछ करेंगे तो सच्चाई क्या है ये हम पता लगा सकते हैं सर। कोई चांस नहीं है, रेप अटेम्प्ट, मर्डर अटेम्प्ट, ऐसे वैसे उसके पास 7 सेक्शंस हैं, उसे बेल मिलना इम्पॉसिबल है। भैरवी इंसिडेंट से पहले एक्सीडेंट, रॉबरी और उस लड़की का मर्डर, ऐसे पूरे 3 केस बने हैं सर। रॉबरी करने वाले ड्राइवर खालिद को पुलिस नहीं पकड़ सकी। एक ड्राइवर जिसको बेल मिली है वो आपकी कंपनी में काम करता था ना सर? जो नशे में था उसे तो शायद बेल मिल गई, मैंने उसे बहुत पहले काम से निकाल दिया है। सर मुझे उसका एड्रेस मिल सकता है? सर जरा आप ये एड्रेस बताएंगे क्या? हाँ, विजय रावपुरम, सीधा जाके राइट मारेंगे, तीसरा लेफ्ट उधर उसके पास। थैंक्स। क्या कुमार, ऐसा यहाँ कोई नहीं है सर? 27 साल से मैं यहाँ पर हूँ, इस नाम के किसी आदमी को यहाँ नहीं देखा सर। सर हम SRM कॉलेज के छात्र हैं, फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं हम इन्हें नहीं जानते, मैं 3 साल से यहीं पर रहता हूँ सर। नकली आईडी दिखा के काम पाया था, एक बार मेरे हाथ लग जाए तो बताता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उधर
कोर्ट का फैसला आने वाला है। पता नहीं क्या जजमेंट आएगा। ऐसा लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए। अगला कौन फंसने वाला है पता नहीं। अब दूसरा कोई फंसने से अच्छा अगर हम ही फंस जाए तो। मैं समझी नहीं। देखो अब तुम्हारी ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? मुझे मिलाकर कुछ 50 होंगी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्यों? शहर में एक लड़की अकेले गो कैब से नाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, तो हमें ऐसी लड़की की तलाश है जो अकेले ट्रैवल करने की हिम्मत रखती है। तभी इस मसले का हल निकल सकता है और हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपके पास होने वाली 2-3 मिनट की हिम्मत ही हम लोगों की ताकत है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आप रिस्क उठाने को तैयार हैं? मैडम कैब आपने ही बुक की है क्या? हाँ जी। उन्हीं के लिए काम करता हूं। तू यहां क्या कर रहा है रे? क्या हुआ? सब खत्म हो गया भाई। सब खत्म हो गया मतलब? वो आ रहा है, रेडी रहे। 6 फुट के डिस्टेंस पे है। अब 3 फुट मार दे। फिर से आ रहा है। ठीक तो है ना सर? लिफ्ट सर, सर 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 लिफ्ट। राघव, जब मैं अंकल की कार को ठीक कर रहा था तो
तो आंटी का रखा हुआ सामान मुझे डिक्की में मिला, साथ में मुझे ये फोन भी रखा हुआ मिला। जब चेक किया तो पता चला कि ये भैरवी जी का है और उन्होंने अंकल से जो भी बात की वो इसमें रिकॉर्डेड है, तो खुद ही सुन ले। हेलो, सो गए क्या? इतनी जल्दी? नो वे। तुम कहां पर हो? आज ऑफिस में एक ऐसी बात पता चली जिस पर यकीन ही नहीं कर पाए। क्या हुआ? शहर में गो कैब्स में जो क्राइम्स हो रहे हैं सब सोच रहे हैं कि वो ड्राइवर्स कर रहे हैं। अरे हाँ 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 हाँ, या आई रिमेम्बर। पर ये सच नहीं है, इन सब के पीछे मेरे एमडी अलगर का असिस्टेंट पुरुषोत्तम है। What? मिस्टर पुरुषोत्तम के अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से 3-4 लाख रुपए बिना मतलब के ट्रांसफर हुए हैं और वो पैसे गो कैब के उन ड्राइवर्स के अकाउंट में गए हैं जिन्होंने क्राइम किया है। वेट अ सेकंड भैरवी, मैं कुछ समझा नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेगा? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इस बारे में बात करने के लिए मैं अपने सीनियर के पास भी गई थी पर... भैरवी क्या हुआ? किसी के भी अकाउंट से किसी को भी पैसा गया हो, इससे तुझे क्या? भैरवी कौन है वहाँ बताओ? पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत ले, भैरवी को खत्म कर देता हूँ। ए, कौन है वहाँ? ये मर्डर भी बेकार नहीं जाएगा। ए, ए, ये क्या कर रहे हो? कैब्स क्राइम में गिना जाएगा। ओह माय गॉड, चाबी, कार की चाबी। भैरवी, ओह गॉड, डैमिट, ऑटो प्लीज स्टॉप। चलो जल्दी हटो, मुझे जाने दो। हट जाओ। रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते, रुकिए, चलिए पीछे चलिए। नहीं, घटना के बारे में अंकल ने हमें बताया क्यों नहीं? एल्गर के असिस्टेंट पुरुषोत्तम का बयान इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, गरुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी अलगर का असिस्टेंट हूँ। अलगर मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और उन्हीं के कहने पर इतने दिनों से गो कैब्स में इतने सारे क्राइम्स हुए क्योंकि विनायक उनका कॉम्पिटिटर था, ये उनको पसंद नहीं था और गो कैब्स को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कुछ ड्राइवर्स हायर किए और उन्हीं ड्राइवरों से अलगर ने सारे क्राइम्स करवाए। इस तरह अलगर का काम हो गया और गो कैब्स कंपनी बंद होने की हालत में आ गई। सारे क्राइम और अलगर गो कैब्स वाले ड्राइवर कर रहे हैं और उनकी वजह से परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है यार। तो इसका जिम्मेदार केवल अलगर ही होगा। अभी अभी खबर आई है कि पुरुषोत्तम की बॉडी को पहाड़ी वाले मैदान से बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इंस्पेक्टर रवि छानबीन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम का खून होते समय अलगर अपने परिवार के साथ दिल्ली गए हुए थे। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम इसका सामना करेंगे। बिजनेस में मुझसे बदला लेने के चक्कर में जनता के साथ बहुत बुरा किया और अब जनता उससे बदला ले रही है। सच्चाई का पता ना चल जाए इसलिए उन्होंने तुम्हारे पापा को मार डाला। बहुत कमीना है अलगर। मैं भी आपसे वही पूछना चाह रहा था सर, आपका मेरे पापा को मारने का दिल कैसे किया? मार दिया सर आपने, वो जिस कार से प्यार करते थे उसी में। क्या बोल रहे हो राघव? मैं भैरवी कैसे मारी सर, मैं बताऊं आपको? जिस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे, शहर में गो कैब्स में जो क्राइम्स हो रहे हैं
दोनों से किसको पैसा गया इससे तुझे क्या? पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत ले, भैरवी को खत्म कर देता हूँ। कहानी करेक्ट है ना? तू एकदम सही बोल रहा है, लेकिन मुझे एक डाउट है। अगर वो किसी से बात कर रहा था तो तुझे अलगर पे शक करना चाहिए था, फिर मुझ पे क्यों किया? जब लॉरी ड्राइवर की मौत हुई थी उसके बाद उसकी बॉडी उल्टी लटक रही थी, मेरी आंखों को 2 फुट दिखाई देता है, लेकिन मिरर में मैंने तुझे क्रॉस करते हुए देखा, तभी मैं समझ गया तेरा मेरे पापा के खून से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। अगर आप अभी फ्री हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इस सब के पीछे कोई ना कोई है सर। उस दिन तू ड्राइवर का एड्रेस पूछने के लिए कार से नीचे उतरा था, तभी मैंने तेरे कार में कैमरा फिक्स कर दिया था। सर उसके बाद तूने जिस किसी से भी बात की वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। कल मदुराई कोर्ट में फैसला आने वाला है और हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है, रात तक मामला सलटा के मुझे फोन कर। पता नहीं अगला कौन फंसने वाला है, उस दिन तूने जो प्लान किया वो हमने नाकामयाब कर दिया। वो ड्राइवर हमारे कब्जे में आ गया और पुरुषोत्तम फंसने ही वाला था कि बचने के लिए वो तेरी कार में जा बैठा, वो भी रिकॉर्ड हो गया। दो फीट से ज्यादा देख नहीं सकता और हमें पकड़ने चला था। वो सिर्फ 2 फीट ही देख सकता है, ये तो सच है, फिर भी उड़ बहुत रहा है वो। गरुड़ा टैक्सी से गो कैब्स को ट्रांसफर होने वाले अकाउंट्स मैंने बिगाड़ दिए हैं। अब ड्राइवर पुलिस को अगर ये बयान दे दे कि इन घटनाओं के पीछे अलगर का हाथ है तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, मेरा और आपका मकसद इसी से पूरा हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? चिंता मत कर, उसके लिए दूसरा रास्ता है। क्या? मेरा नाम पुरुषोत्तम है, गरुड़ा कॉल टैक्सी के MD अलगर का मैं असिस्टेंट हूँ। तूने जो कहानी शुरू की थी उसे तो खुद ही खत्म करना चाहता था, इसलिए तूने पुरुषोत्तम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया और उसे फेसबुक पर तूने अपलोड करवा दिया। सब पोस्ट कर दिया, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना सर? उसके बाद जो हुआ वो सब तू भी जानता है। अलगर तो गया, उसके नाम पे एक और खून। मैंने बताया था ना, कॉर्पोरेट वार में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यहां का यही इंसाफ है। ब्रिलियंट, नॉट बैड। अब क्या करना चाहते हो राघव? मैंने माँ को नहीं देखा, लेकिन वो कैसी होगी ये मैंने मेरे पापा से जाना था। मेरे पापा को तू लौटा सकता है क्या? पापा पापा लगा रखा है यार। पापा चाहिए? शिट। राघव उठ जा। राघव, तेरे पापा को मैंने ही मारा। मैंने ही मारा। Raghav, move to left. Block. Raghav, उठ जा, please. Come on, come on, get up. टेक्नोलॉजी। हेलो, कैन यू हियर मी? कौन है? तेरी आइटम है क्या?
उसी ने आइडिया दिया, वही होगी। सॉरी स्वीट हार्ट। तुझे दो ही फिट दिखाई देता है ना। इतनी सारी बातें जान गया हा? पर तेरा बाप क्यों मरा पता है? और भी आने वाले कई साल ये अवार्ड आपको जीतना है, यही हमारी इच्छा है और हमारी शुभकामनाएं भी। सर, आपने इस अवार्ड को अगले साल जीतने की जो बात कह दी, इससे अलगर साहब को बहुत बुरा लगा। इसी वजह से उसने 10 ड्राइवरों को मेरी कंपनी में हायर करवाया और उनसे क्राइम करवाया ताकि मेरी कंपनी बंद हो जाए। इतने भी बुरे आदमी नहीं है वो, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा सर। तो फिर हम ऐसा करेंगे। सर, मेरी कंपनी में कंटिन्यूअस क्राइम्स होने चाहिए और इन क्राइम्स का जिम्मेदार अलगर है, यह सबको यकीन दिलाना होगा। कुल मिला के अलगर की कंपनी को बंद करवाना है। कुछ उल्टा तो नहीं होगा सर? देखो, यह कॉरपोरेट की दुनिया है, यहां एक बर्बाद होगा तो ही दूसरा आबाद होगा। ताकतवर ही जीतेगा। एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सोच के जवाब दो। पुलिस के सपोर्ट से मेरा प्लान ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन तेरे बाप ने इसे बिगाड़ना चाहा। भैरवी को मारने वाला कोई गो कैब का ड्राइवर नहीं था, पुरुषोत्तम था। अंकल, बात हो गई ना? विनायक, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहां ऐसा ही होता है। उस दिन तेरा बाप और आस्तू सर, सर, अंदर कुछ हुआ है सर। तूने छुट्टी मांगी थी ना, जा। सर, अंदर कुछ हुआ है सर। देख, मेरी बात सुन, ज्यादा वफादारी से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ भी मिलेगा मुझसे मिलेगा, अब जा। क्या सोच रहे हैं सर? चिंता मत कर, दूसरा रास्ता है मेरे पास।
विनायक को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करो। गो कैब कॉल टैक्सी में अभी तक जितने भी अपराध हुए हैं उनके पीछे कंपनी के मालिक विनायक का ही हाथ है। पुलिस ने इससे संबंधित सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिन्हें वो अदालत में जल्द ही। विनायक मेरी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। पता चला है कि गरुड़ा कॉल टैक्सी को हमेशा के लिए बंद करने के लिए प्लान किया गया था और इस केस के अपराधी मिस्टर विनायक फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश के लिए जगह जगह छापे मार रही है। ये सूचना हमें पुलिस विभाग से आधिकारिक रूप में मिली है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। क्या किया था विनायक के साथ? मधु। हाँ राघव। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो क्या करूं? लाइटली स्लाइटली थोड़ा प्यार से पीछे से पुश करोगी तो स्टार्ट हो जाएगी। ओह, तो कार स्टार्ट करके कहाँ जा रहे हो तुम? हे राघव, तू फिर से खुश है, हंस खेल रहा है, ये देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? I am so happy to see you like this, my boy. जिंदगी में कई बार ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि परियों की कहानी में आने वाला कोई पक्षी हमें उठाकर अचानक उड़ने लगा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अचानक से वो हमें नीचे गिरा देता है, फिर दर्द होता है, लगता है कि हम कभी उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस हाल में भी जो उठता है वही होता है विनर, जैसे तुम हो। मैं जानता था तुम फिर से उठोगे। याद है बचपन में मैं तुम्हें हाथ पकड़ के चलाता था, अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूं बेटा। एक पल के लिए भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना, हर दम तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर मैं चलता रहूंगा। सच कहता हूं बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया राघव, साये की तरह मैं हर दम तेरे साथ ही हूं। I will always be with you. I will never leave you. I love you so much, my son. I love you, beta.